हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुरान और मेरा नाम है वजाहत। तो यार, भगवान शिव जी ने कार्तिकेय को सौंप दिया है कृतिकाओं को कि भाई आप लोग इनका पालन पोषण करोगे, आप इनको ट्रेन करेंगे। अब आगे देखते आगे होता है क्या। तो स्टार्ट। प्रभु प्रभु, इनकी तैयारियां हम सभी आपके आगमन हेतु कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। आपका स्वागत है प्रभु, आप सभी का कैलाश पर स्वागत है। वो सारी बात पता है प्रभु, कुमार कार्तिकेय के स्वागत हेतु हमने विशेष प्रबंध किए हैं। हाँ, कार्तिकेय कहाँ है प्रभु? सब कार्तिकेय का दोनों बैठ गया। अरे मूरख, अवश्य ही महादेव और पार्वती के सुपुत्र कार्तिकेय की सवारी पीछे से आ रही होगी। प्रभु और माता यहाँ पहले आ गए ये देखने के लिए कि हमने कार्तिकेय के स्वागत सत्कार में क्या क्या प्रबंध किए हैं। हाँ, ये कितने खुश है ना माता। मैं स्वयं जाकर उन्हें यहाँ ले आता हूँ। नंदी, वो जब आई नहीं है, कार्तिकेय हमारे साथ नहीं आया। कैलाश पर उसके आगमन हेतु तुम सबको कुछ समय और प्रतीक्षा करनी होगी। क्षमा करें प्रभु, किंतु और प्रतीक्षा क्यों? हर चीज हम सभी ने उनके स्वागत हेतु कितने उत्साह से प्रबंध किए थे। बताइए ना प्रभु, कहाँ है कुमार कार्तिकेय? यार प्रभु, वो सुरक्षित तो है ना? बड़ा दुखी मोमेंट है यार ये। हाँ, तो वो तो है ही है सुरक्षित। माता, माता पार्वती जी, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। आपका कुमार कार्तिकेय को ना लाना मेरे मन में अनेकों शंकाओं को उत्पन्न कर रहा है। कृपया बताइए ना माता, कहाँ है कुमार कार्तिकेय? वो तो उनके पास है यार, कृतिकाओं के पास। बताइए ना। तुम्हारे प्रभु सत्य कह रहे हैं ना, जितने वर्ष भी दूर हो लेकिन अब तक जिगर से दूर तो हुआ ना। कुछ भावनाओं की अभिव्यक्ति हेतु अनुकूल समय की प्रतीक्षा अनिवार्य होती है नंदी। समझो, माता पार्वती जी के लिए एक और तपस्या है। वाक्या भाई, वही ना। और हर तपस्या जो ना एक रंग लाती है, कोई शक यह नावर चलता आ रहा है कि आनंद कैलाश पर पहुंचने से पूर्व ही खंडित हो जाता है। ये भी यही कहते हैं कि जो भी अब मैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर संसार के समक्ष एक अविश्वसनीय उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। सबर कर जा, तरका सुन, कुमार का तकिया तैयार हो रहे हैं। तेरे नाश के लिए। अब मेरे पुत्र के तीनों लोकों का निर्माण तो पूर्ण होना ही है। पूर्ण हुआ, कर ले जो करना है, तीनों लोग कर ले कुछ भी। क्यों रजत और लौहपुर का कार्य भी समाप्त होने ही वाला है। ओए ओए, ये क्या निकल रहा है भाई? ये वो सारा इसके साथ ना पूरा वो कर रहे हैं, जा रहे हैं। ये अभी भी कर रहे हैं दोनों।
तर्कासुर को 2 मिनट का सुकून मिला था, फिर शांति पूरी दुनिया भी मिल जाए तो कार्तिकेय का कुछ नहीं मार पाएंगे, क्योंकि कार्तिकेय जी भाई भगवान शिव जी के बेटे हैं। हाँ, एक तरह से वो भी भगवान है। भाई जहरी बात है, भगवान शिव के बेटे जी। तो प्लीज बताइएगा कार्तिकेय जी को कौन सा स्थान मिला है ताकि भाई लोगों का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। अब हम अपने तप से एकत्रित सारी ऊर्जा और शक्ति को एकत्रित करके इस त्रिपुर को सौर मंडल में स्थापित करेंगे और ग्रहों नक्षत्रों की गति को नियंत्रित करके अन्य सभी लोगों का विनाश करेंगे। ये अपनी मौत को खुद आवाज दे रहा है। कहीं शरण नहीं मिलेगी, कहीं नहीं, कहीं भी शरण। जितना ये ज्यादा जी सकता था ना, उतनी जिंदगी कम कर रहा है अपनी। ये वही तो कर रहा है स्वामी। वही ना याद, वो तो आती है ना बुरा। हम प्रयत्न कर रहे हैं तो उसके पोषण हमारी ममता तरस रही है। पोषण भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी ममता वही देखा तरस रही है। माँ माँ होती है भाई, उसे अपने समक्ष खेलते मुस्कुराते देखते हमारे नेत्र अत्यंत व्याकुल होते हैं स्वामी। उसके मधुर स्वरों को ना सुन पाने की पीड़ा अब असहनीय हो गई है स्वामी। हम क्या करें, जैसे जैसे होता जा रहा, टाइम गुजरता जा रहा है ना। हाँ ना, हम विवश हो गए। माँ है ना यार, जब माँ ही ना मिली हो। पार्वती हमारा पुत्र कृतिकाओं के सानिध्य में अवश्य खुश है, और वो माए भी माए हमने देखा है। किंतु तुम उससे दूर रहते हुए भी उसके पालन पोषण में अपना योगदान दे सकती हो। वो कैसे, यानी दूर वो कैसे स्वामी, कैसे आपने, ये कैसे संभव है? कितना भी कठिन क्यों ना हो हम करेंगे। हाँ लेकिन कैसे। हाँ वही तो। देखा वहीं पे रेशम खड़ा हो गया। क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे इसका उपयोग कर कार्तिकेय की प्रतिमा बनाओ, जो ममता और प्रेम तुम इस प्रतिमा को प्रदान करोगे स्वतः कार्तिकेय तक पहुंचेगा। ओ भाई, क्या एक बालक को सशरीर प्रेम करना और एक प्राणहीन प्रतिमा को प्रेम करना समान है? जिस प्रकार अपने आराध्य की प्रतिमा में मनुष्य उसे जीवन तथा प्रदान कर
प्राण प्रतिष्ठा द्वारा उसके आचरण और वरदान से प्रभावित होते हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी कार्तिकेय की प्रतिमा से उतनी ही अनुरक्ति और संतोष मिलेगा। अरे यार खुराम, क्या सीन है भाई साहब। भगवान शिव जी कहते हैं कि भाई कार्तिकेय की तुम मूर्ति बनाओ और तुम जो उसको सिखाओगी वो कार्तिकेय तक पहुंचेगा और वो जो भी यानी के दूर रहकर भी माँ का ओदा निभाएंगे एक तरह से। और ऊपर से वो दूसरी तरफ नंदी जी भी बेचारे यार सैड हो गए भाई। वो तो हर चीज खुशी का भाई, खुशी का वेट होता है ना, जिस तरह एक बेटा आ रहा है यार, जाहिर ही बात है। वही ना, और भाई अब तू खुद अंदाजा लगा, वो कहते नहीं वो पीछे आ रहे होंगे, आप दोनों के साथ तो नहीं है पीछे, मैं और वो कहता मैं खुद ले आता हूँ। भाई उनके लिए तैयारियां भी तो कितनी कर रहे थे, नहीं दूध पिएगा फलाना, ये होगा फलाना, वो होगा, बहुत ज्यादा सारे। और जब एकदम बंदे को पता चल जाता है तो फिर सैड हो गए, वो जाहिर बात है सैड हो जाता है। लेकिन माता पार्वती जी का तो यूं लग रहा था जिस तरह कलेजा बाहर आया, लेकिन अब जाहिर बात है अब जो है ना भगवान शिव जी ने बोल दिया है कि इसका वो प्रतिमा बनाओ और उससे जो भी तुम करोगी वो उस तक अवश्य पहुंचेगा। और उधर से तरकस और पागल हुआ हुआ है, तीनों लोगों को मरवाएगा। नहीं ना यार बिल्कुल। और आप प्लीज ये चीज मुझे बताइएगा प्लीज कि भाई कार्तिकेय जी को कौन सा स्थान है, मतलब उनको भगवान जी के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने इनके बारे में इतना नहीं सुना, फोरम नहीं सुना, हमने सुना बिल्कुल, क्योंकि भगवान गणेश जी के बारे में तो हमने बहुत ज्यादा सुना है, क्योंकि उनकी तो मतलब पूरे दुनिया के अंदर चर्चा है, लेकिन मैंने इनके बारे में टू बी ऑनेस्ट इस दफा मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। तो ये प्लीज कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। इधर ये वीडियो खत्म करते तो बाय।